बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई आज हम लोग है ना इस तोक्कल गुड्डे की वीडियो बनाएंगे, इसको उड़ा के आपको दिखाएंगे और इसके कन्ने बांध कर दिखाएंगे कि इसके कन्ने कैसे बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसको जब उड़ा के देखेंगे और अगर साइड भी ले रहे होगी तो आपको ये भी बताएंगे कि ना साइड, जिस जगह साइड ले पतंग तो वहाँ पर क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तोक्कल गुड्डा है, तकरीबन है ना ये तकरीबन 2.5 तावा जितना है, इतना बड़ा 2.5 तावे के साइज़ का बड़ा गुड्डा है ये तोक्कल गुड्डा। और दोस्तों इसकी कीमत तकरीबन 250 रुपये है और आज हम लोग है ना इसको उड़ाएंगे। कराची में इसकी कीमत 250 रुपये है, लेकिन कराची में इतने लोग उड़ाते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं ये, ज़्यादातर लाहौर वगैरह में उड़ते हैं ये, तो पंजाब वगैरह की साइड पर उड़ते हैं, लाहौर पंजाब की साइड पर, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई आज हम लोग है ना इसको उड़ा के दिखाएंगे आपको, तो इसको किस तरीके से उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो चले आइए, पहले हम लोग है ना इसके कन्ने बांधने बांध के दिखाते हैं और कन्ने इसके कैसे बांधे जाते हैं वो सबसे पहले वही दिखाएंगे, क्योंकि इस ऐसे गुड्डे का हर किसी को ख्वाहिश होगी कि भाई इसके है ना कन्ने कैसे बांधे जाए। अच्छा दोस्तों, तो भाई ये जो धागा होता है ना ये सिर्फ ऐसे ही होता है धागा बंधा हुआ, आपने देखा होगा ये पतंगों पे धागा बंधा होता है, क्योंकि इस पतंग को ना ऐसे लटका के रखा जाता है, इसको ऐसे साइडों वाइडों पर या ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, सिर्फ इसको ऐसे लटका के रखा जाता है, ठीक है। तो भाई इसको है ना हम इसका धागा हम लोग है ना पहले तोड़ लेंगे और फिर इसके बाद चले आइए हम लोग है ना इसके कन्ने बांधते हैं। तो रास्ता दोस्तों हम लोगों ने ना ये धागा तोड़ लिया, अब इसको हम लोग है ना इसके लिए सद्दी लेंगे, तकरीबन इतनी सद्दी ले लेते हैं कन्ने बांधने के लिए। और सबसे पहले हम लोग है ना ये ऊपर वाले कन्ने बांधेंगे, ये वही धागा, ये तो वही तरीका होता है दोस्तों ऊपर वाले कन्ने बांधने का, यहाँ से जो गुजारो ऐसे, ये देखें फिर एक कन्ने बांधना, दो बार गुजारूंगा यहाँ से, देख रहे हो दोस्तों ये तरीक़ेकार वही है जैसे आम पतंगों का होता है, इसी तरीके से इसके कन्ने बांधे जाते हैं, ये देखें मैंने ऐसे बांधे, अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बांधे ना तो इसके भी ऐसे क्रॉस में बांधे जाते हैं। अब हम लोग है ना यहाँ पर इसके कन्ने बांधेंगे, देखें अभी दोस्तों हम लोग कन्ने बांध रहे हैं, ये लें तो दोस्तों हम लोगों ने इसके भी इधर भी इस तरीके से कन्ने बांधने, दो बार घुमाने इसको, इसका दोस्तों यही तरीक़ेकार होता है कन्ने बांधने का, और तोक्कल गुड्डे का यही तरीका होता है कन्ना बांधने का। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, बहुत से हमारे पतंगबाज होंगे, काइट फाइटर होंगे, जो तोक्कल गुड्डा जिसने कभी नहीं उड़ाया हो तो उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। तो ये तरीका कहा था देखें वीडियो बा इस पर कन्ने बांधने का, लोग हमारे दोस्त सोचते हैं यार कि हम जैसे हमारे एक दोस्त है सब्सक्राइबर है, वो बोलते हैं कि यार इमरान अली बोलते हैं कि यार तोक्कल गुड्डा के साइड लेते हैं उसका तरीका बताए कि किस तरीके से उसको सही करें, और ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो चाहते होंगे भाई ये तोक्कल गुड्डा उड़ाएँ, और जिन लोगों ने नहीं उड़ाया होगा तो इनको बड़ा शौक होगा। तो मैं आपको अगर आपके पास तोक्कल गुड्डा आ जाए तो मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ, उड़ाने का भी बता रहा हूँ, कन्ने बांधने का भी अभी से ही बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो दोस्तों भाई देखिए हम लोगों ने कन्ने बांध लिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको है ना अंदाजे से बांधेंगे ऐसे, ये जो धागा होगा ना ये छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी कि ऐसा ऐसा कर लो, यहाँ से ऐसा करो और यहाँ से थोड़ा सा ना ऊपर रखो, ठीक है, 1 इंच ऊपर रखो, यहाँ से ऐसा कर लो, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये देखें सही है, ये हम लोगों ने ऊपर कर लिया, ये देखिए दोस्तों ये हम लोगों ने इसके कन्ने बांध लिए और इसको यहाँ से बांध देते हैं। तो दोस्तों भाई देखा हमने ये कन्ने तैयार हो गए इसके, और अब हम लोग है ना इसको उड़ाते हैं दोस्तों, उसको उड़ाते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से होती है। तो चले आइए उड़ाते हैं, कन्ने तैयार हो गए। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोगों ने कन्ने बांध लिए और अब हम लोग है ना इसके उसको उड़ाते हैं, चले उड़ा के चेक करते हैं कैसी होती है, चले आइए।
तो दोस्तों भाई हम लोग ने टक्कल गुड्डा उड़ा लिया। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, गाय तावा उड़ाया हम लोगों ने और कैसा बेहतरीन उड़ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, हम लोगों ने टक्कल गुड्डा उड़ाया और बेहतरीन उड़ रहा है इस वक्त। और दोस्तों अब हम लोगों ने आज टॉकल गुड्डा उड़ाया हुआ है और टॉकल गुड्डा उड़ा के दिखाया आपको आज। और अब हम लोग है ना आपको इसका बताएंगे कि अगर ये किस साइड झुकती है, अगर ये इस साइड झुके ना दोस्तों तो इस तरफ इसके थोड़ी सा धागा बांधना पड़ता है। और आपको आपको उतार के दिखाते हैं, चले आइए। तो ये दोस्तों देखें, हम लोगों ने टॉकल गुड्डा उतार लिया अपना। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने टक्कल गुड्डा उड़ाया। और इसको अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर हमारे दोस्त हैं इमरान अली, तो इमरान अली के कमेंट्स पे मैंने ये गुड्डा भी उड़ाया है। और इसको ये भी बताया कि ना अगर ये झुके, जब किसी साइड झुके ना, तो इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। ये मैं बता रहा हूँ, चले आइए। दोस्तों अगर फर्ज करें, मिसाल के तौर पे पतंग आपकी है ना, पतंग आपकी इस तरफ झुक रही है, तो हम लोगों को पता है क्या करना है दोस्तों। हम लोगों को ना इस तरफ थोड़ा सा ये गूंच लेना है, धागे का ये उलझा हुआ धागा लेना है और उसको यहाँ से ऐसे रख के टेप बांध देनी है। ठीक है, ऐसे टेप बांध के रखनी है और फिर इसके बाद चेक करना है इसको कि सही हुआ। अगर फिर भी एक साइड और गिरे ना, तो दोबारा थोड़ा सा और धागा बढ़ा दो उसमें धागे। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो गिर रही है ना, तो आप यहाँ पर धागा बांधेंगे, फिर ये नहीं गिरेगी, इसी तरीके से उड़ते रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों भाई आज हम लोगों ने टक्कल गुड्डा उड़ा के दिखाया आपको और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुड्डा था। भारी गुड्डा होता ही है लेकिन बहुत अच्छा गुड्डा था। तो दोस्तों भाई बस अब हम लोग है ना दोस्तों वीडियो ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि यार आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको हम लोगों ने ना ये टॉकल गुड्डा उड़ा के भी दिखाया है, इसके कन्ने मारने का तरीका भी बताया है। और अगर एक साइड झुके तो इस तरीके से धागा लगा ले। तो भाई ये तरीका कार है इस गुड्डे का उड़ाने का। ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों भाई, मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।